हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। बहुत सारे लोगों की मेरे पास क्वेरी आ रही थी कि जो रिजल्ट का लिंक है वो वर्क नहीं कर रहा। कुछ लोगों को ये भी डाउट हो रहा था कि जो रिजल्ट आया है वो डायरेक्ट ऑफिशियल है या नहीं है, जो मार्क्स हैं वो सही है नहीं है, और वो लिंक कहाँ से जनरेट किया गया था, वो पहले काम कर रहा था अब काम क्यों नहीं कर रहा। सारे क्वेश्चन का आंसर मैं इस वीडियो में देने वाला हूँ और सर्वे के बारे में भी थोड़ा सा अपडेट दूंगा कि कितने रिस्पॉन्सेज मिल चुके हैं और आगे हमें कैसे करना चाहिए। ठीक, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको उस लिंक की सच्चाई बताता हूँ कि वो लिंक मिला कहाँ से था और क्या वो लिंक जेन्युइन था या नहीं था, एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट से था या नहीं था। ठीक है, मैंने अब खोल दी है एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट, डेट इज ssc.nic.in। यहाँ पे मैं जाता हूँ रिजल्ट कॉर्नर पे, मैंने किया रिजल्ट कॉर्नर पे क्लिक। ठीक है, और यहाँ पे आप देखोगे 26/8/2019 को एसएससी सीजीएल टीयर वन का मार्क्स डिक्लेयर किए गए थे, राइट। तो मैं यहाँ पे मैंने क्लिक किया क्लिक हेयर पे, उसके बाद यहाँ पे टीयर वन के मार्क्स देख सकते हो। नीचे लिंक दे रखा है टीयर वन के मार्क्स देखने के लिए। जैसे ही मैंने इस लिंक पे क्लिक किया तो मेरे पास ये विंडो खुल गई और आप देखोगे ये सेम लिंक है जो कि मैंने एसएससी सीजीएल टीयर टू एग्जाम के लिए आप लोगों को दिया था। ये एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट से ही लिया गया था। अभी ये लिंक काम नहीं कर रहा, पहले कर रहा था। तब यहाँ पे सिलेक्ट एग्जाम कर रहे थे आप, तो यहाँ पे टीयर टू लिखा आ रहा था कि आप एसएससी सीजीएल टीयर टू के अपने मार्क्स देख सकते हो। टीयर वन का जब रिजल्ट आया था तो टीयर वन के मार्क्स यहाँ पे दिख रहे थे इसी लिंक पे, और सेम लिंक पे ही आपको टीयर टू के मार्क्स भी दिख रहे थे। ठीक है, तो ये जो लिंक था ये एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पे ही था। बाकी ये है कि एसएससी ने पहले मार्क्स डाले, फिर उसे हटा दिया था दोबारे, फिर दोबारे लिंक एक्टिवेट हुआ, फिर दोबारे हट गए। जो दूसरी बार लिंक एक्टिवेट हुआ था वो काफ़ी लंबे टाइम के लिए हुआ था और अब दोबारे हट चुका है। तो जल्द ही एसएससी अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर नोटिस भी डालेगा और मार्क्स के लिए आपको अपडेट भी देगा। ठीक, तो दोबारे आपके मार्क्स दिखेंगे यहाँ पे, और जो लोग अभी तक अपने मार्क्स नहीं देख पाए हैं वो देख पाएंगे। तो ऐसा नहीं है कि आप मार्क्स नहीं देख पाओगे या कोई और चीज़, वो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक, तो यहाँ पे एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट से ही लिंक लिया गया था और दोबारा एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पे ही आएगा। ठीक है, ये चीज़ें शायद कोई आपको बताता भी नहीं होगा कि लिंक कहाँ से आया। सब इस चीज़ में रहते हैं कि हाँ ऑफिशियल आने से पहले मैंने लिंक शेयर कर दिया, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट से ही सारे लिंक्स आते हैं, अपडेटेशन होने में टाइम लगाता है एसएससी, तो वही है कि यहीं से लिंक आते हैं। कई बार आंसर की भी पहले मिल जाती है, ऑफिशियल आने से पहले आंसर की का लिंक भी आ जाता है। ठीक, तो उसके लिए घबराना नहीं है। बाकी आपको सर्वे के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। अब तक टोटल रिस्पॉन्सेज जो हमारे पास सर्वे के आए हैं, डेट इज़ 1874 रिस्पॉन्सेज, इतने ऑलरेडी आ चुके हैं। लास्ट टाइम हमने जो रो स्कोर के हिसाब से एनालिसिस किया था उसमें 5000 रिस्पॉन्सेज थे, और इस बार भी उम्मीद है कि लगभग इतने पहुँच सकते हैं। गिवन आप सभी लोग इसमें अच्छे से पार्टिसिपेट करो। SSC रैंक लिस्ट नहीं निकालता, और रैंक लिस्ट निकालनी चाहिए जो कि SSC को, कम से कम इंडिविजुअल रैंक तो SSC को बतानी ही चाहिए, तभी हम पोस्ट प्रेफरेंस के टाइम पर अपने लिए सही जॉब चुन पाएंगे और काफ़ी सारी सीट्स वेस्ट होने से भी इस तरीके से बच सकती हैं। लेकिन नहीं निकालते SSC, तो फिलहाल तो हम इसमें कुछ नहीं कर सकते, बाकी रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं SSC से, तो वो करेंगे बाद में। लेकिन फिलहाल यही है कि जो सर्वे चल रहा है इसमें 1874 रिस्पॉन्सेज आ चुके हैं। अपने सभी दोस्तों में लिंक शेयर करो जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग पार्ट लगें और हमें थोड़ा सा आइडिया लग पाए कि किस तरह से नॉर्मलाइजेशन हुआ है, आपका सेफ स्कोर क्या हो सकता है, और इंडिविजुअल रैंक्स भी लगभग क्या हो सकते हैं। ठीक है, जो रिस्पांस मेरे पास मिलेगी उनकी तो रैंक लिस्ट मैं आपको दे ही दूंगा कि उनकी रैंक्स कैसी हैं अगर आप कहोगे तो। और बाकी ये है कि थोड़ा आइडिया आपको लगेगा कि हमारे पास कितने रिस्पॉन्सेस आए, टोटल नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स कितने सेलेक्ट हुए हैं टीयर टू के बाद, और उस हिसाब से आपकी रैंक क्या हो सकती है। वो सारी चीज़ें आपको एनालिसिस में पता चल जाएंगी। एनालिसिस कोई भी परफेक्ट नहीं होता, हो सकता है कि मैं बहुत सारी चीज़ें आपको जो बताऊँ वो सही साबित फ्यूचर में जाके ना हो, लेकिन वो मैं अपने एंड पे जो डेटा है उसे यूज करके करूँगा। और 5000 लोगों के डेटा से 50000 लोगों का डेटा मैनिपुलेट करना वो प्रीवियस परफॉर्मेंस पे देख के और सारी चीज़ें यूज करके किया जाता है, और काफ़ी हद तक सही भी होती हैं चीज़ें, कुछ चीज़ें गलत भी हो सकती हैं। ठीक है, ये कोई फिक्स नहीं है और कोई एग्जैक्टली तो प्रिडिक्ट कर ही नहीं सकता, लेकिन फिर भी एनालिसिस से काफ़ी फ़ायदा आप सभी लोगों को मिलेगा, तो अपने दोस्तों में शेयर कर देना एनालिसिस के लिए डेटा। बाकी हाँ, एक नई चीज़ चल रही है, फिर से वही हो रहा है जो टीयर वन के बाद हुआ था हर एक शिफ्ट में, कि मेरे इतने बढ़ गए, इस शिफ्ट को ज़्यादा एडवांटेज मिल गया, उसको कम मिला है। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि बिल्कुल फेयर है सारी चीज़ें, लेकिन वही है, जब तक हमारे पास कंक्रीट डेटा नहीं होता हम नहीं कह सकते कि क्या सही है क्या नहीं। और ये पता लगाना कि किस शिफ्ट को ज़्यादा एडवांटेज मिला है, किस शिफ्ट को कम एडवांटेज मिला है, बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है। अगर ज़्यादा लोग पार्टिसिपेट करेंगे, सपोज हमारे पास 3000 रिस्पॉन्सेज भी आए, तो 1013 के, 1012 के और 1011 के, ठीक है, इतने इतने रिस्पॉन्सेज आ गए। जैसे ही मैं एवरेज निकालूंगा कि मैथ्स में एवरेज स्कोर कितना गया है पर्टिकुलर शिफ्ट से, आइडिया लग जाएगा कि किस शिफ्ट को ज़्यादा एडवांटेज मिला है या कम मिला है। ठीक है, तो उससे बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो तब तक के लिए यार ये मीटू मोमेंट मत बनाओ अपना, और टाइम वेस्ट मत करो फेसबुक पेजेस पे या कहीं और भी।
ठीक है, उसका कुछ फायदा नहीं है आपके, ना ही मार्क्स बढ़ेंगे उस चीज से, ना ही आपके कोई दुख की गाथा सुनने वाला है। ठीक है, सभी लोगों के साथ कभी ना कभी गलत होता ही है, और ऐसा भी होता है कभी कभी लक काम कर देता है और आपको उम्मीद नहीं होती इतना मिलेगा और आपको उससे ज़्यादा मिल जाता है, तो ये सारी चीज़ें रहती हैं। तो स्टे अवे फ्रॉम नेगेटिव पीपल, और यही कहूँगा कुछ लोग हैं जिनके 600 से ज़्यादा नंबर भी हैं, वो फेक स्क्रीन शॉट्स नहीं है सारे, लेकिन यही है उसे देख के घबराना नहीं है, ना ही वो आपकी कट ऑफ डिसाइड करेगा, ना ही वो ये डिसाइड करने वाला है कि आपको जॉब मिलेगी या नहीं मिलेगी। ठीक, तो यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग पार्टिसिपेट करो सर्वे में जिनका टीयर टू क्वालिफाई हो गया है, तभी एक अच्छा आउटपुट आप सभी लोगों को मिलेगा। और मैं यही कहूँगा कि अभी कट ऑफ के डिस्कशन पे आप सभी लोग मत जाओ, कुछ फ़ायदा नहीं है उसका आपस में डिस्कस करने से, क्योंकि जो आप लोगों के पास डेटा होगा वो बहुत ज़्यादा लिमिटेड होगा, दो चार लोगों के मार्क्स देख के। सपोज करो आपका फ्रेंड है जिसके 580 आ गए और आपके 520 हैं, तो आपको लगेगा यार मेरे दोस्त के 580 हैं तो उसे तो बहुत अच्छी जॉब मिलेगी, और हो सकता है मेरे 520 पे कुछ भी ना मिले या फिर टैक्स असिस्टेंट ही रह जाए, तो ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो रियलिटी अलग होती है, और एक दो बंदे से आप बात करके अगर समझते हो कि आपको आइडिया लग जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो मुझसे भी मत पूछो, जब तक एनालिसिस नहीं होता मैं भी आपको कुछ भी कंक्रीट नहीं बता पाऊंगा। ठीक, तो इस वीडियो में बस इतना ही था, उम्मीद करता हूँ सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। और बाकी एक चीज़ और है, आप काफ़ी टाइम से चैनल को फॉलो कर रहे हो और 2018 में मैं स्टार्टिंग से लेकर एंड तक आप लोगों के साथ रहा ही हूँ और आगे भी रहूँगा। अगर आपको किसी भी चीज़ से फ़ायदा मिला हो इस चैनल से, तो आप मुझे टेस्टिमोनियल सेंड कर सकते हो ऑन rev@egu@gmail.com, बीट अपडेट्स, बीट क्वांट लेक्चर्स, बीट अदर स्टफ, बीट स्ट्रेटजी रिलेटेड वीडियोज, कुछ भी चीज़ से अगर आपको फ़ायदा मिला हो तो आप इस मेल एड्रेस पे मुझे मेल कर सकते हो, और अगर आपका स्कोर अच्छा है तो अपना स्कोर भी शेयर कर सकते हो। ठीक, और अगर आपको लगता है कि किसी चीज़ में इम्प्रूवमेंट की जा सकती है तो वो भी मुझे बताओ, क्योंकि आप लोगों के फीडबैक से ही मैं और ज़्यादा इम्प्रूव कर पाऊँगा। ठीक है, आई वॉन्ट टू वर्क अ लॉट मोर फॉर यू, एंड करेंगे बहुत चीज़ें हम आगे भी, और बहुत कुछ करना चाहता हूँ मैं भी, और वो तभी हो पाएगा जब आप लोग मुझे फीडबैक दोगे। अगर आपको फ़ायदा हुआ है किसी भी चीज़ से वो बताओगे, और किस चीज़ को इम्प्रूव किया जा सकता है वो भी आप लोगों को शेयर करना चाहिए। तो आप rev@egu@gmail.com पे मुझे मेल कर सकते हो इसके रिगार्डिंग। और जिन लोगों ने अच्छा स्कोर किया है सभी लोगों को बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस, एंड उम्मीद करता हूँ आपको एक बहुत अच्छी जॉब मिलेगी और बहुत अच्छा फ्यूचर आपका रहने वाला है। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, आपका दिन शुभ हो, जय हिंद।